हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में करेंगे और बहुत ही फटाफट हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। हाँ, इजी तब होगा जब आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखे तो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो मैं यहाँ पे टेबल वगैरह बना लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए मैं बना देता हूँ। ये SR नंबर है, ये FV है, ये शेयर इज एट है और ये MV है। तो FV MV आपको तभी समझेगा जब आप लोगों को बेसिक चीजें मालूम रहेंगी। हालांकि इस वीडियो में मैं इतना बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, बट डीप में सब कुछ समझना है तो उसके लिए आप लोगों को बेसिक वाला वीडियो में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, उसको वेस्ट करना नहीं बोलते, उसको बोलते इन्वेस्ट करना। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। पहले कंडीशन में बोला है कि जो शेयर का फेस वैल्यू है वो था ₹100 और अभी उसका शेयर क्या है, शेयर पार पे है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि फेस वैल्यू क्या होता है किसी भी शेयर का, वो स्टार्टिंग प्राइस होता है कि शेयर इतने पे फिक्स है। अब उसके बाद उस शेयर में बढ़ोतरी आई तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ तो उसका मार्केट वैल्यू घटेगा, और अगर मार्केट वैल्यू घटेगा तो उसको बोलेंगे शेयर डिस्काउंट पे है, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे शेयर प्रीमियम पे है। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा रहा तो वो शेयर कैसे होगा, प्रीमियम पे होगा, और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल रहा तो शेयर कैसे रहेगा, पार रहेगा। और साथ ही में अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम रहा, मतलब जो फेस वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब शेयर अभी डिस्काउंट पे चल रहा है ना। मतलब ₹100 का शेयर है, ₹75 का चल रहा है, मतलब ₹25 डिस्काउंट चल रहा है। और ये कैसा होता है, जब हमारी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। तो शेयर इज एट पार बोला है, पार बोला है मतलब MBFV के इक्वल होगा, तो इधर कितना आएगा ₹100। अगले क्वेश्चन में बोला है कि जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो चल रही है ₹575 और शेयर जो है वो प्रीमियम पे है ₹500 के, प्रीमियम ₹500। तो मैंने क्या बोला, प्रीमियम मतलब क्या होता है, प्रॉफिट की तरह होता है। ठीक है, तो 500 का प्रीमियम चल रहा है और 575 उसका मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 500 प्राइस बढ़ा है उस शेयर का। ठीक है, प्रीमियम मतलब क्या, मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा रहेगा, तो ₹500 बढ़ोतरी हुई है, 575 हो चुका है, तो 575 में से 500 माइनस करोगे तो 75 आएगा, मतलब फेस वैल्यू कितना था, 75। अगले क्वेश्चन में बोला है ₹10 का शेयर था और उसका प्राइस चल रहा है ₹5। देखो फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, यहाँ पे देखो तो शेयर कितने पे है, डिस्काउंट पे है, शेयर इज एट डिस्काउंट, और कितने का डिस्काउंट चल रहा है, 10 का था, ₹5 में मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख दो ₹5। इस तरीके से इसको करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आ सकता है। हालांकि 2021 में तो नहीं आएगा बिकॉज रिड्यूस हो चुका है, बट 2022 में आने के चांसेस है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो सब कुछ जो लिखा है वो लिख लो, फेस वैल्यू कितना है ₹100 और नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स उन्होंने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स इज 50 शेयर्स उन्होंने खरीदे, और साथ ही में मार्केट वैल्यू चल रहा है शेयर का, शेयर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है ₹80। अच्छा बताओ, फेस वैल्यू ₹100 है, मार्केट वैल्यू 80 चल रहा है, इसका मतलब शेयर कहाँ पे है, शेयर डिस्काउंट पे है, और डिविडेंड कंपनी दे रही है। डिविडेंड मैंने आप लोगों को बताया था, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट की तरह होता है, 20% का डिविडेंड दे रही है कंपनी उनको। तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न का, मतलब डिविडेंड इनकम कितनी आ रही है टोटल और ऊपर से कितना सम इन्वेस्ट किया था, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्ट किया था मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे प्रॉफिट की तरह फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोगों को यूज करना है। इसके लिए हमें मालूम रहना चाहिए डिविडेंड 20 दिया है, ये परसेंटेज में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद एक शेयर का है ये, 500 शेयर का निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे तब इसमें रखेंगे। तो आ जाओ फाइंड करते हैं सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला। पहले क्या होता है, सम इन्वेस्टेड पहले फाइंड कर लेते हैं। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, कितनी मार्केट वैल्यू चल रही है 80 और 50 शेयर्स है, तो मतलब इतने 50 शेयर खरीदा, एक शेयर ₹80 का, तो ₹4000 इसका क्या हो गया, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड को मैं ऐसा ही लिखता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया सम इन्वेस्टेड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड ऑन वन शेयर, पहले एक शेयर का डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। कई सारी डाइजेस्ट वगैरह में आप लोग देखोगे तो वहां पे डिविडेंड डायरेक्ट 20% को ₹20 लिख देता है, तो
तो बच्चे समझते हैं कि 20% हमेशा 20 रुपीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फेस वैल्यू कभी 50 कर दिया तो फंस जाओगे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20/100, फेस वैल्यू कितना है 100, तो इस तरीके से 20 रुपीज आ गया। बट ये डिविडेंड एक शेयर पे है, हमें किस पे फाइंड करना है, हमें 50 शेयर्स पर फाइंड करना है। तो टोटल डिविडेंड निकाल लो, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग, टोटल डिविडेंड यहाँ पे निकाल लो, फिर हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू बाद में पुट करेंगे। टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड, ठीक है। शेयर्स कितने हैं 50, डिविडेंड कितना मिल रहा है 20, तो 50 20 जो हमारे पास आंसर आ गया 1000 रुपए। मतलब टोटल डिविडेंड इनकम है 1000 रुपए, हम इतना इन्वेस्ट किया था, हमें सब कुछ मिल चुका है, तो फॉर्मूले में रख लो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम, ये पूरा फॉर्मूला लिखो फिर सॉल्व करो। डिविडेंड इनकम है 1000, सम इन्वेस्ट किया था 4000 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 00 कट गया, 00 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 425 जो होता है 100, तो रेट ऑफ रिटर्न आ गया 25%। मतलब इतना इनको रिटर्न में मिल गया, मतलब इतना प्रॉफिट उनको हो गया है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोगों ने किया कैसे, हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला देखा क्या था, डिविडेंड इनकम था अपॉन सम इन्वेस्टेड था, हमारे पास दोनों नहीं था। तो हम लोगों ने पहले डिविडेंड फाइंड किया, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू एफवी से एक शेयर का डिविडेंड निकला। टोटल डिविडेंड को हम लोगों ने सब शेयर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिविडेंड भी निकला। सम इन्वेस्टेड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला इसके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, हम लोगों को सम इन्वेस्टेड मिल गया। फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया। हालांकि ये सीरियल वाइज नहीं लिखा है, मतलब लाइन से नहीं लिखा है, बट इसमें एडजस्ट करिए, फिर मैं लाइन से कराता हूँ आपको। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोला जोसेफ ने कुछ शेयर्स को खरीदा है तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो जोसेफ ने कंपनी ए से 200 शेयर खरीदा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेटर हो। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, मतलब हर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि इसको प्रॉफिट हो तो तगड़ा प्रॉफिट हो, बट इसको नहीं मालूम है कि लॉस होगा तो बहुत तगड़ा लॉस भी हो सकता है ना। तो कंपनी ए से उसने लिया है 200 शेयर, साथ ही में यहाँ पे दिया है आपको फेस वैल्यू जो कि चल रहा है ₹2, ठीक है, और प्रीमियम चल रहा है ₹18 का, 18 ही दिया ना, चलिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 45 शेयर्स है, और साथ ही में जो यहाँ पे एमवी है मतलब मार्केट वैल्यू है वो है ₹500, और यहाँ पे है एक शेयर और मार्केट वैल्यू है 10,540। OMG, इतना ज्यादा मार्केट वैल्यू कभी देखा है क्या, एक शेयर का 10,540, सोचो। चलो अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, हम लोग सम इन्वेस्टेड निकालेंगे कंपनी ए में, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे कंपनी बी में, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे कंपनी सी में, तीनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, कंपनी ए में कितना सम इन्वेस्ट किया उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, कितना शेयर खरीदा और क्या मार्केट वैल्यू चल रही थी। तो पहली कंपनी को देखे तो हम लोगों को मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, बट हम लोग ने बेसिक वाले में सीखा है कि जो मार्केट वैल्यू होता है वो होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब जो फेस वैल्यू है और साथ ही में जो प्रॉफिट चल रहा है उसका प्लस कर देंगे तो हमें मार्केट वैल्यू आ जाएगी। देखो ₹20 मार्केट वैल्यू है और फेस वैल्यू है ₹2, इसका मतलब है कि ₹18 ज्यादा चल रहा है प्राइस। प्राइस तो 2 है बट मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 20 चल रहा है, मतलब ₹18 प्रीमियम पे है वो। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 20 आ गई, नंबर ऑफ शेयर है 200, तो 200 × 20 आपको मिल गया ₹4000। ये कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट है। अब फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, और यहाँ पे आप लोगों को एमवी वगैरह सब कुछ इजीली दिया है। 45 शेयर है और साथ ही में एमवी है 500, 45 × 25 = 20, तो ₹22,500 यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए। अब देखते हैं सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, कंपनी सी में आप लोग देखोगे तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी, मार्केट वैल्यू कितना है 10,540, तो आप लोगों को आंसर मिल गया ₹10,540। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग 1, 2, 3 को ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 3, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसा लिखा। आप लोग चाहे तो जोसेफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A+B+C, तो ए कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 4000, बी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 22,500, और सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 10,540,
तो सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0004 5510, ठीक है, 527, और यहाँ पे आंसर आ गया 3। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 47,040 रुपए। तो इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपरली, 37,040 रुपए। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई कंपनी ए बी सी को मिला के। ठीक है, बस इस तरीके से इसको करना है। आप इस तरीके से इसको करें, कंपनी ए का सम इन्वेस्टमेंट निकाले, बी का निकाले, सी का निकाले, तीनों को ऐड कर लीजिए, आंसर सामने, बहुत इजी है ये। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ वाला करते हैं। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला, श्रीमती देश पांडे ने कुछ कुछ शेयर्स लिए हैं जिनका फेस वैल्यू है 5 रुपए। कुछ शेयर्स खरीदा जिसका फेस वैल्यू है 5 रुपया, और साथ ही में वो शेयर कैसा है, प्रीमियम पे चल रहा है। शेयर क्या चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है, कितने रुपए के, 20 रुपए के। तो हमें फाइंड करना है कि 20,000 में उसको कितना शेयर मिला होगा। शेयर तो खरीदा है, फेस वैल्यू भी मालूम है, प्रीमियम भी मालूम है, और कितना इन्वेस्ट किया है वो भी मालूम है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, इन्वेस्ट किया है, मतलब सम इन्वेस्टेड, टोटल सम कितना उसने इन्वेस्ट किया है, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए में उन्हें कितना शेयर मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। आंसर देखो सामने रखा हुआ है, पहले निकाल लो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इवेंचुअली ये सब फॉर्मूले वाली चीजें नहीं है, ये सब आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। ठीक है, बट आप लोगों को रट्टा मराना पड़ता है, चीजों को समझ लो तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब देखो, हमें मार्केट वैल्यू मालूम है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, सॉरी सम इन्वेस्टेड मालूम है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड है 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू है 25। ठीक है, तो 20,000 अपॉन में आ जाएगा 25, और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। चलो अब 25 से इसको डिवाइड कर दो, तो 25 8 जा 200 होता है, 2 0 बच गया, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 800। मतलब 20,000 लगाएंगी वो तो उन्हें मिलेगा 800 शेयर। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको श्री शांतिलाल के बारे में दिया है, इन्होंने परचेस किया 150 शेयर। ठीक है, श्री शांतिलाल थे जिनका मान किया कि आज शेयर्स खरीदते हैं, तो ये गए और इन्होंने 150 शेयर्स खरीद लिए बिना सोचे समझे। ठीक है, अरे बहुत सोचा होगा, फेस वैल्यू लगाई इन्होंने, मतलब शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो थी 100 रुपए, और साथ ही में जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 120 रुपए। ठीक है, और साथ ही में कंपनी ने इनको डिविडेंड दिया कितना, 7% का। तो आखिर कितना इनका रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट होगा इनके इन्वेस्टमेंट का, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू मालूम है, आपको फेस वैल्यू मालूम है, तो डिविडेंड की वैल्यू निकाल लो। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इनकम का, डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 into FV, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 into फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड 7/100, फेस वैल्यू भी है 100। कुछ लोग डायरेक्टली 7 रुपीज लिख देते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कभी फेस वैल्यू 50 रहा तो यहाँ पे 3.5 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये डिविडेंड इनकम हो गया, बट ये क्या है, ये एक ही शेयर का है, हम लोगों को टोटल डिविडेंड इनकम निकालना है। तो टोटल डिविडेंड इनकम, ठीक है, टोटल डिविडेंड इनकम के लिए एक डिविडेंड को हम लोग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 शेयर है तो 15/7 जो कितना होता है 105, तो 1,050 रुपए इनका डिविडेंड इनकम है, और ये रेट ऑफ डिविडेंड है, और साथ ही में हम लोगों को सम इन्वेस्टेड भी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो सम इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हम लोगों को, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमवी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 150, मार्केट वैल्यू कितनी है 120, तो 12 × 15 कितना आएगा, 0002002502102051, तो आंसर आएगा 18,000। मतलब इन्होंने टोटल 18,000 रुपए लगाए हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं आखिर प्रॉफिट कितना होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। टोटल डिविडेंड के बगल में इनकम भी आप लोग लिख लीजिए, वरना मैं ही लिख देता हूं। चलो, टोटल डिविडेंड इनकम कितनी है, 1,050, कितना सम उन्होंने लगाया 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, 00 काट दो, 00 काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, हमें मिला 105/18। ये देखो 3 से जा रहा है, 3 3 9 3 5 15 3 6 18, अभी भी ये किससे नहीं जा रहा है, तो हम लोग फिर 6 से काट देंगे, 6 5 30, नीचे बचा 5 पॉइंट लगाया, 0 आया, 6 8 48, फिर 20, फिर 3, दो डेसिमल, डेसिमल के बाद दो नंबर तक जाओ तो हमें आंसर मिल जाएगा।
तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ रिटर्न। देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 5.83%, इतना उनको प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों ने किया कैसे, हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मालूम है, टोटल डिविडेंड इनकम और सम इन्वेस्टेड, हमारे पास सिर्फ डिविडेंड परसेंट है, तो इसको सबसे पहले डिविडेंड इनकम निकाला, फिर टोटल डिविडेंड इनकम निकाला, फिर सम इन्वेस्टेड निकाला, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को कंपैरिजन करना है। लास्ट ईयर याद है हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग में 4.2 वे कंपेयर किया था, तो हम लोगों को पता चला था कि हाँ इनका ज्यादा है इनका कम है, तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोगों को कंपेयर करना है। याद है हम लोगों ने लास्ट ईयर 4.1 में भी ऐसे ही कंपेयर किया था, तो दो लोगों के बीच में तो एक का 20% आ रहा था, एक का 16.88 कुछ आ रहा था, तो याद है 20% वाला जैसे ज्यादा हुआ था, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि फेस वैल्यू जो है दोनों शेयर का वो सेम है, तो फाइंड करो कि नंबर को किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहे, एक कंपनी ए में कर रहा है और एक कंपनी बी में कर रहा है, तो दोनों का आप लोग सेपरेट कॉलम बना लो सबसे पहले तो। ठीक है, कंपनी ए जो है वहां पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है 16% का, डिविडेंड कितना मिल रहा है 16% का, और साथ ही में वहां का मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज, और साथ ही में जो कंपनी बी है वो डिविडेंड दे रही है 20%, डिविडेंड कितना दे रही है 20%, और साथ ही में मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट कम है बट मार्केट वैल्यू भी कम है, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दे रहे बट मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते। अगर हाँ ज्यादा फर्क होता कि डिविडेंड यहाँ पे 50% हो जाता, हाँ तब कंपनी भी जीत जाती, बट अभी नहीं मालूम है कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मार्केट वैल्यू मालूम है बट हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट के दौरान हमारे दिमाग में दो नाम आना चाहिए, एक डिविडेंड और एक आना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम लोग दोनों का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, समझ लो आपके दोस्त ने 10 मार्क का पेपर दिया, उसको 7 मार्क्स आया, आपने 100 मार्क का पेपर दिया, आपको 20 मार्क्स आया, तो आप बोलोगे मेरा ज्यादा है, आपका दोस्त बोलेगा मेरा ज्यादा है, तुम बताओ किसका ज्यादा है। तुम्हारे दोस्त का ज्यादा आया क्योंकि उसका 70% बन रहा है और तुम्हारा 20% बन रहा है ना। तो किसी भी चीज की पहचान करने के लिए हम लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हो सकता है आपके स्कूल का पेपर 600 मार्क्स का होता हो, कुछ स्कूल के पेपर 700-800 मार्क्स के होते हैं, वो लोग कई स्कूल वाले ड्राइंग का भी मार्क्स ऐड कर देते, कई स्कूल वाले सेल्फ डेवलपमेंट का भी, तो इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे सम इन्वेस्टेड या फिर डिविडेंड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना पड़ेगा। रेट जहाँ पे भी आता है वहां समझ जाना कि वो परसेंट की बात हो रही है, रेट ऑफ जीएसटी वो भी परसेंट में, रेट ऑफ रिटर्न वो भी परसेंट में, तो हम लोग दोनों में रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड 16% है तो हम लोग इसको परसेंट में ही रखेंगे, और शेयर्स नहीं दिया है, मतलब शेयर्स कितने हैं, शेयर्स सिर्फ एक ही से हम लोगों का काम हो जाएगा, एक शेयर मिल गया उसी से निकाल लो, तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे 1 अज्यूम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोगों का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो कैसे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, डिविडेंड कितना है 16, सम इन्वेस्टेड कितना है 80 इनटू 100। ठीक है, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू एक ही शेयर का हम लोग ले रहे, तो एक शेयर है तो 80 इंटू 1 80 हो जाएगा। तो देखो 16 1 16 16 5 जो 80 5 1 जो 5 5 20 जो 100, तो हम लोगों को मिल गया 20%। तो कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न है 20%, अब कंपनी बी का इससे ज्यादा आ गया तो कंपनी बी जीत जाएगी। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, डिविडेंड कितना है 20, मार्केट वैल्यू कितना है 120 और इनटू 100। तो देखो 21 जो 20 26 जो 120 23 जो 6 250 जो 100, तो हमें आंसर मिला 50/3, तो काटोगे तो आंसर मिलेगा 16.67 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार, 50/3, 3 1 जो 3 20 3 6 जो 18, हाँ 16.67% आपको मिलेगा। तो देखो कंपनी बी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 16% है, इसका 20% है, इसका मतलब कौन प्रॉफिटेबल है, कंपनी ए। आप लोगों को लगा होगा कि ये ज्यादा डिविडेंड दे रहा है तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, नहीं नहीं, इसमें इन्वेस्ट करो, भले ये कम डिविडेंड दे रहा है बट मार्केट वैल्यू भी तो कम है, तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, देयरफॉर यहाँ पे लिखो जो आरओआर है कंपनी ए का, आरओआर कंपनी ए का जो है वो ग्रेटर है आरओआर कंपनी बी से। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी बी से, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन कंपनी ए जैसा स्टेटमेंट लिखा है वो लिखो, इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो आप लोग शांति से कंपनी ए में इन्वेस्ट करना, कभी मन करेगा तो कंपनी बी में मत जाना।
तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो था। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.2 पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.3 पूरा का पूरा खत्म कर लिया है और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 4.4 में बेसिक वगैरह सब कुछ एक ही वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, साथ ही वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी अलग है। आपका 4.1 4.2 जीएसटी पे था, अभी 4.3 4.4 जो है वो शेयर वगैरह पे है, ठीक है। इवेंचुअली अलग अलग टॉपिक है दोनों, इसलिए आपको प्रॉब्लम सेट में भी एक प्रॉब्लम सेट ए है, एक प्रॉब्लम सेट बी है। चलिए करते रहिए, हर एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 4.4 को भी पूरा सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।